अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। आज हमारी किताब एहसास उर्दू हिस्सा इब्तदाई दौम नर्सरी क्लास की किताब में से आज हम पढ़ेंगे तलफ़ ख़ आवाज़ ख। तलफ़ ख़ आवाज़ ख। आज हम तलफ़ ख़ आवाज़ ख को देखेंगे। कुछ उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ तस्वीरों को देखेंगे, फिर हम फ्लैश कार्ड की जानब बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग अपनी किताब की जानब चलें। तो हम अपनी सरगर्मी नंबर एक में कुछ तस्वीरों को देखते हैं। सरगर्मी नंबर एक में देखिए कितना खूबसूरत सा एक घर है और इस घर को खाना काबा कहते हैं। ये खाना काबा है और खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। ये बहुत ही खूबसूरत सा घर है। इस घर को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग आते हैं ताकि इस घर को देख सकें। जी इस घर में जाके बहुत ही सुकून मिलता है। इस घर के इर्द गिर्द लोग चक्कर भी लगाते हैं और उन चक्कर को लगाने का तवाफ कहते हैं। जी ये अल्लाह ताला का घर है। वाहिद ये एक घर है जिस घर में जाके इंसान अपनी तमाम तरह की बुराइयों और तमाम दुनियावी बातों और तमाम अहल अजीज़ों को भूल जाता है। वो सिर्फ़ अल्लाह ही का नाम लेता है और अल्लाह ही के नाम के मुआफ़िक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहता है। यकीन माने जब इस घर में एक दफ़ा जाएँ तो दोबारा इस घर से आने का दिल कभी भी नहीं करता। ये खाना काबा है। ये खाना काबा है। ये खाना काबा है। खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। आगे देखें मेरे पास एक कप है और ये कप खाली है। इस कप में पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये कप खाली है। ये खाली कप है। खाली 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 कप में हम क्या कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। और ये एक मग है चूँकि इसमें हम लोग जूस भी पी सकते हैं। जी तो ये खाली है। ये खाली है। प्यारे बच्चों क्या आप जानते हैं कि खाली और खाना काबा की शुरू की आवाज़ क्या है? जी खाली और खाना काबा की शुरू की आवाज़ ख है। ख ख ख तलफ़ ख आवाज़ ख। तलफ़ ख आवाज़ ख। खाली खाना काबा। खाली खाना काबा। खाली खाना काबा। चलें तो अब हम अपने फ्लैश कार्ड की जानब बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों फ्लैश कार्ड नंबर एक में देखिए ये खंजर है। ये खंजर है। खंजर डाकू अपने पास रखते थे और इसी खंजर की मदद से वो लोगों को डराते धमकाते और उनसे उनकी चीज़ों की लूट मार करते थे। ये खंजर है। ये खंजर है। खंजर बहुत ही तेज़ होता है इसलिए हमें इस खंजर को बिल्कुल भी पकड़ना नहीं चाहिए। इसकी एक ही धार से हमारे हाथों से खून निकल जाएगा। ये खंजर है। ये खंजर है। मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरे मामू ने मुझे कराची से भेजा था और ये ख़त है। ये ख़त है। इस लफाफे के अंदर ख़त डाले जाते हैं और फिर पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करते हैं। फिर ये ख़त अपने अजीज़ों तक पहुँचता है। ये ख़त है। ये ख़त है। ये ख़त है। ये खंजर है। क्या आप जानते हैं कि ख़त और खंजर की शुरू की आवाज़ क्या है? जी ख़त और खंजर की शुरू की आवाज़ तो प्यारे बच्चों खत और खंजर की शुरू की आवाज़ ख है। ख ख ये ख है और ख के ऊपर देखिए एक नुक्ता है जो इसे ख की आवाज़ देता है। ये तलफ़ ख आवाज़ ख है। तलफ़ ख की आवाज़ ख होती है। जी तो ये तलफ़ ख है और इसकी आवाज़ ख है। चलें तो अब हम अपनी किताब के जाने पढ़ते हैं और मज़ीद उसमें से ख की सरगर्मी को देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों सफ़र नंबर 23 सबक नंबर 18 यानी सबक नंबर 18 में स्पेस सफ़र नंबर 23 पर तलफ़ के आवाज़ ख। तलफ़ के आवाज़ ख। देखें ये बड़ी ख है। ये बड़ी ख है और ये छोटी अशकाल है इसकी। और ये छोटी अशकाल है इसकी। ये खे हमेशा यानी बड़ी खे हमेशा आखिर
में आती है, जबकि ये वाली घड़ी हमेशा शुरू की आवाज़ है और ये शुरू में आती है। चले तो अब ह से शुरू होने वाली इब्तदाई आवाज़ की पहचान करते हैं और इनकी चीज़ों को देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इससे बनती हैं, यानी कौन कौन सी अशिया में शुरू की आवाज़ ह है। मेरे बच्चों, क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जंगल की तस्वीर है। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक जंगल है और जंगल में देखें एक रैबिट जो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ नदी के किनारे क्या कर रहा है, हमें देख रहा है। और ये जंगल कितना घना है जी। और देखिए यहाँ पर खेमा है, ये खेमा है। खेमा जब कभी हम जंगल में या फिर हमारे यहाँ इलाका बहुत ही खूबसूरत नारायण का गान है, जब भी हम वहाँ पर जाएं तो ऐसे ही खेमे लगाकर उनमें रात को हम लोग नींद गुजारते हैं, यानी रात का वक्त हम इन खेमों में गुजारते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे ही खेमे हम लोग जब बॉर्डर एरिया में गए थे तो वहाँ पर जो फौजी थे उन्होंने ऐसे ही खेमे लगाए हुए थे, फौजी भी ऐसे ही खेमों में रहते हैं जी। ये खेमा है और खेमे के अंदर कुछ तकिए भी पड़े हैं, ये खेमा है। खेमा, खेमा, खेमे के आगे एक टोकरी है और टोकरी के साथ ही देखिए यहाँ पर खरबूजा है, ये खरबूजा है, ये खरबूजा है। खरबूजा, खरबूजा, खरबूजा। खरबूजे के साथ देखिए ये खंजर है, ये खंजर है। खंजर, 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 ये खंजर है। खंजर काटने के काम भी आता है। खंजर को हाथों में बिल्कुल भी नहीं पकड़ना चाहिए वरना हमारा हाथ कट जाएगा, इसलिए मामा घर में भी इन चीज़ों को संभाल के रखती हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे ही खंजर पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और ये खंजर बच्चों के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये खंजर है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है और टेबल के ऊपर किसी के खत आए हैं, ये खत है। और खत हमें हमारे अजीज़ों का रब भेजते हैं, जैसे मेरे पास भी यहाँ एक खत था, मैंने आपको ये खत दिखाया ना कि खत का लफाफा बिल्कुल इसी तरह होता है जी। ये खत है, ये खत है जी। और साथ देखिए यहाँ पर एक खुबानी भी पड़ी है, ये खुबानी है। और खंजर के साथ खुबानी को काट के ये खरगोश खा रहा था जी। ये खुबानी है, खुबानी अल्लाह ताला की नेमतों में से, यानी फलों की नेमतों में से ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत ही मज़े की होती है। और ये खरगोश है, ये खरगोश है। खरगोश, 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 खरगोश बैठा तमाम चीज़ों को देख रहा है जी, ये खरगोश है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि खेमा, खरबूजा, खंजर, खत, खुबानी और खरगोश की शुरू की आवाज़ क्या है? प्यारे बच्चों, इनकी शुरू की आवाज़ ख है, इनकी शुरू की आवाज़ ख है। ख, खेमा, ख, खरबूजा, ख, खंजर, ख, खत, ख, खुबानी, ख, खरगोश। बहुत अच्छे। और ये छोटी शक्ल है, छोटी शक्ल की अशकाल से शुरू होने वाली है जी। नीचे देखें, यहाँ से हमें मज़ीद पता चलेगा। यहाँ पर देखिए तमाम तस्वीरों को बहुत ही नज़दीक करके दिखाया गया है और इनके नीचे इनके नामों को भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो खरबूजा है उसकी शुरू की आवाज़ में छोटी शक्ल है, यानी ख। चलें सो अब हम इसे पढ़ते हैं। ये खरबूजा है, खरबूजा, खरबूजा, खरबूजा। ये खंजर है, खंजर, खंजर, खंजर। ये खत है, खत, खत, खत। ये खरगोश है, खरगोश, खरगोश, खरगोश। ये खुबानी है, खुबानी, खुबानी, खुबानी जी। तो प्यारे बच्चों, तलफ़्फ़ुज़ ख़े, आवाज़ ख़ा की पढ़ाई मुकम्मल हुई। मुझे यकीन है कि आपको
सबक नंबर 18 सफ़ा नंबर 23 तलफ़ पे आवाज़ का की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप भी अपनी इसास उर्दू हिस्सा इब्तदाई दोम को अपने घर में खोलिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।